एक और बड़ी खबर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर सपा को लगा एक और झटका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी को एक और झटका लग गया है। पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश यादव से किनारा कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश यादव से किनारा कर लिया है, प्रत्याशी को वोट देने से इनकार कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा के जो राज्यसभा प्रत्याशी घोषित हुए हैं उसको वोट देने से इनकार कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपना दल कमेरावादी पार्टी की पल्लवी पटेल सपा के टिकट पर विधायक है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव। जी रवि, तो अब एक और नेता ने, एक और विधायक ने अखिलेश यादव से किनारा कर लिया है, किस तरह से देखा जाना चाहिए लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, लोकसभा चुनाव का विबुल बच चुका है और आपको बता दें कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपने राज्यसभा के प्रत्याशियों को उतार दिया है, वहीं आपको बता दें कि शिराथू, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जो गढ़ कहा जाता है शिराथू, वहां की वो विधायिका थी जो कि सपा से उन्होंने टिकट लिया था और वहां की विधायिका है, और ऐसे में पल्लवी पाटिल का जो पार्टी से इनकार कर देना, हालांकि इनको टिकट नहीं मिला, राय उन्होंने जो घोषणा की थी, जो उन्होंने मांग की थी अखिलेश यादव से कि मुझे जो है टिकट दिया जाए राज्यसभा की, हालांकि कल राज्यसभा का जो है नामांकन विधानसभा में भर दिया गया था, जिसपे आलोक रंजन और जया बच्चन और जो तीन प्रत्याशी थे जो राज्यसभा के, उनको हटाने को लेकर एक मांग की गई थी बहुत पहले, हालांकि पल्लवी पाटिल ने कहा था कि मुझे टिकट दिया जाए राज्यसभा से, जिसको देखते हुए अखिलेश यादव ने तीन प्रत्याशी अपने पहले से उतार दिए थे और पल्लवी पाटिल को दरकिनार कर दिया। तो इसी को देखते हुए पल्लवी पाटिल ने पार्टी से इनकार कर दिया कि मैं इस पार्टी को छोड़ रही हूँ, हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि पार्टी छोड़ेंगी। हालांकि यही बताया जा रहा है कि जो जानकारी है, पल्लवी पाटिल ने हालांकि प्रत्याशी का नाम ना मिलने से, उनका राज्यसभा प्रत्याशी नाम ना मिलने से उन्होंने पार्टी को दरकिनार कर दिया है। जी रवि, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो ये जो पल्लवी पटेल ने जो ये किनारा किया है, इस पर किसी का कोई टिप्पणी आई है, किसी ने कुछ इस पर बयान दिया? देखिए, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पास कुछ वर्तमान में 108 विधायक हैं, ठीक है, और वहीं पक्ष जो भाजपा सरकार के जो पक्ष दल हैं, जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो अब कमेंट पास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पे कि हालांकि एक तरह से ये इंडिया गठबंधन की भी बात कर रहे हैं और इंडिया कहीं आंच नजरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यही कहा जा सकता है कि कल देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपना इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा कि मुझे पद की जरूरत नहीं है, है ना। तो अब यही कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद एक बड़ा नामी चेहरा था और ऐसे में उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, और पल्लवी पाटिल भी एक बड़ा नाम है जो कि सिराथू एक गढ़ है, उप मुख्यमंत्री का वो गढ़ है, वहां से वो विधायक है सपा से। तो यही कहा जा सकता है कि आखिर में ये दो। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा के राज्यसभा प्रत्याशी को वोट देने से यहाँ पर पल्लवी, जो कि समाजवादी पार्टी की नेता, उन्होंने इनकार कर दिया है और वह अब पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है।